नमस्कार, GChemTable में Features and Color Schemes के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे: GChemTable, Elemental Window और Color Schemes। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS वर्जन 12.04, GChemPaint वर्जन 0.12.10, GChemTable वर्जन 0.12.10। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आप एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल और GChemPaint के साथ परिचित होने चाहिए। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब GChemTable एप्लीकेशन के बारे में सीखते हैं। GChemTable GChemPaint के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह संस्थापित की जा सकती है सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके। GChemTable रासायनिक एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल एप्लीकेशन है। यह एलिमेंट्स के बारे में विज्ञान संबंधी जानकारी देता है। यह पीरियोडिक टेबल को भिन्न कलर स्कीम्स के साथ दर्शाता है। GChemTable खोलने के लिए डैश होम पर क्लिक करें। प्रदर्शित सर्च बार में टाइप करें GChemTable। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स आइकन पर क्लिक करें। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स विंडो खुलती है। विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस के जैसे ही GChemTable विंडो मेन्यू बार रखती है। मेन्यू बार वो सभी कमांड्स रखती है जिसकी आपको GChemTable के साथ काम करने के लिए जरूरत है। यह एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल है। यहाँ आप एलिमेंट बटन देख सकते हैं। एलिमेंट का नाम प्राप्त करने के लिए कर्सर को एलिमेंट पर रखें। टेबल में बटन्स के लिए उपयोग हुए कलर्स एलिमेंट्स के आम कलर्स हैं। यह टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रतिरूप है। अब एलिमेंटल विंडो के बारे में सीखते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए पीरियोडिक टेबल पर किसी एलिमेंट बटन पर क्लिक करें। मैं कार्बन पर क्लिक करूंगी। कार्बन की एलिमेंटल विंडो खुलती है। एलिमेंटल विंडो चार साइड टैब्स रखती है: मेन, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, रेडियाई, थर्मोडायनामिक्स। मैं प्रत्येक टैब के बारे में एक एक करके समझाऊंगी। डिफॉल्ट रूप से मेन टैब सेलेक्ट किया हुआ है। यह एलिमेंट का सिंबल रखती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह लैंग और नेम नामक शीर्षकों के साथ एक टेबल रखती है। टेबल अनेक भाषाओं में कार्बन के नाम दर्शाती है। आगे इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज टैब पर क्लिक करें। यह टैब निम्न के बारे में जानकारी दर्शाती है: पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जीज। पहली, दूसरी और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जीज MJ पर मोल में हैं। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटीज KJ पर मोल में हैं। दाईं तरफ संबंधित शो कर्व बटन देखे जा सकते हैं। चार्ट देखने के लिए शो कर्व बटन पर क्लिक करें। यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बनाम एटॉमिक नंबर का चार्ट है। मैं चार्ट बंद करूंगी। रेडियाई टैब पर क्लिक करें। यह टैब दर्शाती है कोवेलेंट, वैंडरवॉल्स और मेटालिक रेडियाई वैल्यूज सभी पीएम में हैं। पीएम मतलब पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर। चूंकि कार्बन नॉन मेटल है, यह मेटालिक रेडियस वैल्यू नहीं रखती है। मैं कार्बन विंडो बंद करूंगी। अब वापस एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल विंडो पर जाते हैं। अब सोडियम बटन पर क्लिक करें। रेडियाई टैब पर क्लिक करें। मेटालिक रेडियाई वैल्यू प्रदर्शित होती है। रेडियाई टैब आयनिक रेडियाई की टेबल रखती है। यह टेबल कॉलम के रूप में आयन CN और वैल्यू रखती है। अब इस टेबल पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। यह टेबल उन भिन्न आयनिक स्टेटस की जानकारी देती है जिसमें सोडियम मौजूद है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और आयनिक रेडियाई वैल्यू PM में है। एलिमेंट्स क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर अधिक संख्या में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब आयरन बटन पर क्लिक करें। इसकी एलिमेंटल विंडो खुलती है। रेडियाई टैब पर क्लिक करें। आयनिक रेडियाई टेबल स्पिन नामक एक अतिरिक्त कॉलम रखती है।
स्पिन कॉलम आयरन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की प्रवृत्ति के बारे में अनुमान देता है। यहाँ हाई का मतलब स्पिन मुक्त कॉम्प्लेक्सेस हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं। लो का मतलब स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं। मैं आयरन एलिमेंटल विंडो बंद करूंगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। दोबारा कार्बन की एलिमेंटल विंडो पर क्लिक करें। थर्मोडायनामिक्स टैब पर क्लिक करें। यह टैब कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रदर्शित करती है। शो कर्व बटन को अपने आप जांचें। मैं कार्बन एलिमेंटल विंडो को बंद करूंगी। अब कलर स्कीम्स पर जाते हैं। व्यू मेन्यू पर जाएं और कलर स्कीम्स सेलेक्ट करें। एक सब मेन्यू कलर स्कीम्स की सूची के साथ खुलता है। नो कलर्स पर क्लिक करें। सारे एलिमेंट बटन्स ग्रे में बदल जाते हैं। कलर स्कीम्स पर क्लिक करें और फिजिकल स्टेट्स सेलेक्ट करें। एक नई पीरियोडिक टेबल ब्लू कलर के एलिमेंट बटन के साथ खुलती है, कुछ बटन्स को ब्लैक छोड़कर। सबसे ऊपर आप न्यूनतम वैल्यू के साथ टेम्परेचर स्केल स्लाइडर देख सकते हैं। नीचे आप सॉलिड ब्लू, लिक्विड ग्रीन और गैस रेड के कलर्स देख सकते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में हैं, इसीलिए यह ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए स्लाइडर को खींचें। ध्यान दें कि एलिमेंट्स अपनी फिजिकल स्टेट बदल देते हैं। ब्लू कलर ग्रीन लिक्विड और रेड गैस कलर्स के द्वारा बदला जाता है। 6010 डिग्री केल्विन पर सारे एलिमेंट्स गैसीय स्टेट में बदल जाते हैं। सारे बटन्स रेड कलर में बदल जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं। उस टेम्परेचर पर उनकी स्टेट अज्ञात होती है। आगे फैमिली सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट फैमिली ड्रॉपडाउन बटन दिखता है। ड्रॉपडाउन सूची में अनेकों फैमिली उनके संबंधित कलर्स के साथ होती हैं। बाय डिफॉल्ट ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। एलिमेंट्स की प्रत्येक फैमिली एक विशेष फैमिली कलर में दिखती है। ड्रॉपडाउन सूची पर क्लिक करें और मेटलॉइड्स सेलेक्ट करें। मेटलॉइड्स ग्रीन फैमिली बैकग्राउंड कलर में प्रदर्शित होते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स ब्लैक बैकग्राउंड में प्रदर्शित होते हैं। कलर स्कीम्स पर वापस जाएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कलर स्कीम्स सेलेक्ट करें। रेड कलर के एलिमेंट्स न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखते हैं। ब्लू कलर के एलिमेंट्स उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखते हैं। रेड से ब्लू कलर में धीरे धीरे बदलाव होता है। बीच वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पिंक कलर के एलिमेंट्स की होती हैं। अगर डेटाबेस में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है तो एलिमेंट्स ब्लैक बैकग्राउंड रखेंगे। अब ब्लॉक सेलेक्ट करें। प्रत्येक ब्लॉक के एलिमेंट्स आवंटित ब्लॉक कलर के साथ प्रदर्शित होते हैं। एस ब्लॉक ब्लू, पी ब्लॉक रेडिश ब्राउन, डी ब्लॉक ग्रीन और एफ ब्लॉक पर्पल। अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एलिमेंटल विंडोज के विवरण के बारे में, निम्न की कलर स्कीम्स, फिजिकल स्टेट्स, फैमिली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ब्लॉक। एक नियत कार्य की तरह जांचें कोबाल्ट, निकल, कॉपर और अन्य की एलिमेंटल विंडोज, भिन्न फैमिली कलर स्कीम्स, एटॉमिक रेडियस कलर स्कीम्स। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।